नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी रायपुर पहुंची, भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन में करेंगी शिरकत। रूट प्लान जारी, इन रास्तों का करें इस्तेमाल। भाजपा पीएम की सभा से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपेंगी। राज्य बोली, पीएम ने स्पष्ट किया कि मातृशक्ति राष्ट्र की संपूर्ण ताकत। पीएम ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन पर धन्यवाद दिया। मोदी ने लोकसभा में कहा, सभी दलों के नेता इसके हकदार। राज्यसभा में चर्चा शुरू। और 23 सितंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर पहुंची प्रियंका का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दोपहर 12 बजे वो भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में भाग लिया। मेफेयर रिजॉर्ट में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ बैज मौजूद हैं। मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है, इसके बाद वे सड़क के रास्ते से भिलाई पहुंचेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही बीजेपी अब एक अनूठा प्रयोग राजस्थान में करने जा रही है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में होने वाली सभा में लगभग सभी कार्य महिलाओं के हाथ में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। इस सभा से जुड़े कार्य समेत समस्त जिम्मेदारियां महिला पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ताओं के हाथ में रहेंगी। इसमें सभा संचालन, सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था समेत समस्त काम और उसकी मॉनिटरिंग का कार्य महिलाओं के हाथ में दिए जाएंगे। पुरुष पदाधिकारी पर्दे के पीछे रहकर इनसे कार्य कराएंगे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कहना है कि एक लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में मंजूरी मिल गई है। इसलिए ये दिन महिला जगत के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिवस है। इससे ये सिद्ध हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात ही नहीं करते, वे इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करके भी दिखाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मातृशक्ति संपूर्ण राष्ट्र की ताकत है, जिसके बिना भारत के नवनिर्माण की कल्पना बेमानी है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने 5 मिनट स्पीच दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीएम ने कहा, भारत की संसदीय यात्रा का ये स्वर्णिम पल है। इस पल के हकदार सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दलों के नेता इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्यसभा में ये इसका आखिरी पड़ाव पूरा कर लेंगे। इस पवित्र कार्य में आप सभी के योगदान और सार्थक चर्चा का मैं आज सच्चे दिल से अभिनंदन करता हूं। उधर स्पीकर ओम बिरला ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र किया। चंद्रयान 3 पर सभी सांसद अपने विचार रखेंगे। उधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। उन्होंने कहा, भारत को विकसित बनाने में ये महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान दोपहर लगभग 1:30 बजे पीएम मोदी वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद करीब 3:15 बजे प्रधानमंत्री रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में वो भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। लंबे समय से वाराणसी में स्टेडियम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ये एक नारा नहीं बल्कि संकल्प है, जो सिद्धि तक पहुंचेगा। मोदी सरकार ने हमेशा नारी को सम्मान देने की दिशा में निर्णय लिए हैं। इस विधेयक से सही मायने में नारी को सम्मान और अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र के नव निर्मित मंदिर का नारी शक्ति वंदन विधेयक से श्री गणेश हुआ है। यहाँ से बहुत कुछ अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। बूंदी जिले के बरुंधन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका शोभा कंवर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में जिले में टॉप रही 4 छात्राओं को हवाई जहाज से सैर करवाई। इन्हें अपने खर्च पर 4 दिन दिल्ली में घुमाया, राष्ट्रपति भवन और संसद दिखाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी छात्राओं को मिलवाया, वहाँ से जयपुर तक हवाई जहाज से लाई। शोभा कंवर ने पिछले साल चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया था। तब उन्होंने घोषणा की थी कि बोर्ड में जिला टॉप करने वाली छात्राओं को हवाई सफर करवाएंगी। करौली जिले में सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मोबाइल नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान स्मार्टफोन वितरण में लगे कार्मिकों पर रुपए लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। जाम के कारण राहगीरों और वाहन सवारों
को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क मार्ग जाम करने की सूचना पर सपोटरा थाना अधिकारी यशपाल सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ समझाइश कर सड़क से जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। पायलट ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा वाहवाही लूटने के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनको महिलाओं को आरक्षण देना ही था तो संशोधन की क्या जरूरत थी, जो महिला आरक्षण का बिल हमारी सरकार ने राज्यसभा में पास करवाया था उसे लागू कर देते। जोधपुर का उम्मीद जनाना हॉस्पिटल, यहाँ रोजाना 80 से 100 बच्चों का जन्म होता है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा जनाना हॉस्पिटल है। इसके नींव मारवाड़ रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा कर्नल उम्मीद सिंह ने 6 अप्रैल 1936 को रखी थी। अब 22 से 28 सितंबर तक हॉस्पिटल का 7 दिवसीय जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। ये पहला मौका है जब किसी हॉस्पिटल का जन्मोत्सव कार्यक्रम तय किया गया है। इसके लिए इस हेरिटेज बिल्डिंग को लाइट से सजाया गया है। 7 दिन के जन्मोत्सव समारोह में मरीजों के लिए खास नवाचार होंगे। जोधपुर एयरपोर्ट जल्द नया रूप लेने वाला है। यहां 307 करोड़ रुपए खर्च कर नया टर्मिनल बनेगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी कर सकते हैं। जोधपुर एयरपोर्ट के मॉडल वीडियो में प्रस्तावित बिल्डिंग बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। इसे जोधपुर के ही फेमस छीतर के पत्थर से तैयार किया जाएगा। बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन जगमगाती रोशनी में शानदार दिख रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट पर 49 करोड़ में विस्तार कार्य होगा। प्लेन की पार्किंग के लिए एप्रन एरिया बनने के बाद 13 वे बनेंगे जहां से यात्री प्लेन में चढ़ते हैं। आम आदमी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के राजस्थान घोषणा कार्ड को आमजन तक लेकर जाएंगे। दिल्ली व पंजाब की तरह राजस्थान में भी जनता में विश्वास बढ़ा है, यहाँ भी बड़े नेता पटकनी खाएंगे। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पॉलिटिकल ड्रामा करते हुए उनकी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया, अब वे जल्दी बाहर आएंगे। विनय मिश्रा ने अलवर सर्किट हाउस में ये बात कही। देश में पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होगा। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना करेंगे। ये सभी 9 ट्रेनें अलग अलग राज्यों और शहरों से चलेंगी। इनमें राजस्थान के उदयपुर से जयपुर के बीच प्रदेश की तीसरी वंदे भारत भी शामिल है। ये ट्रेन उदयपुर जयपुर वाया अजमेर होकर चलेगी। अजमेर के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। रेलवे में पूर्व में संचालित वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों के अनुभवों के आधार पर ट्रेन में कई सुधार किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर जागने की उम्मीद है। 14 दिन की रात के बाद चांद के दक्षिण ध्रुवीय हिस्से पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। इसरो 22 सितंबर को यहां स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की कोशिश करेगा। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। हिमाचल के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में 3 से 4 दिन बाद मॉनसून विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। पूरे प्रदेश में मॉनसून जाने में अभी 8 से 10 दिन लगेंगे। इससे पहले मॉनसून धीमा पड़ा है और बारिश की गतिविधियां भी ज़्यादा नहीं हैं। बीते 25 अगस्त तक भारी बारिश ने हिमाचल में जरूर तबाही मचाई है, मगर इसके बाद से मॉनसून सुस्त पड़ा हुआ है। आमतौर पर प्रदेश में 23 सितंबर तक मॉनसून की वापसी होती है, लेकिन इस बार मॉनसून जल्दी जाने के संकेत नहीं हैं। बीते साल भी 2 सप्ताह देरी से 3 अक्टूबर को मॉनसून विदा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।